अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हम बना रहे हैं आलू गोश्त, ठीक है, चिकन का, और साथ में मैक्रोनी, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारा मैक्रोनी का ना सामान बिल्कुल तैयार है। बस अचानक से ही ना मेरे मियाँ साहब की कॉल आई और उन्होंने कहा कि जो है मैं ये स्पैगेटी नहीं खाऊंगा मैक्रोनी, और क्या कहते हैं आप ना आलू चिकन बनाओ, सिर्फ आज कढ़ाई बना दें, कल आप जो है ना मेन्यू अपनी पसंद से बना लीजिएगा। अब ये जो सामान है इसको हम फ्रिज में ऐसे ही रख देंगे, ठीक है, ताकि जो है हम कल ये बॉईल हुई हैं चीज़ें ये कल हम रेसिपी आपके साथ शेयर कर लेंगे। ये देखें, ये भी मैंने बॉईल करके रख दिए हुए थे, तो इंशाल्लाह कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और आपके साथ हम चिकन कढ़ाई शेयर करते हैं। और उसका मैं सारा सामान रखती हूँ और ये देखें, ये साथ ही मैंने सारा जो है किचन नीट करना है, मैंने ये बर्तन धोने हैं और ये मैं नीट करके आपको जो है ना दिखाऊंगी अभी। तो हम चिकन कढ़ाई की तैयारी करते हैं। चलें जी, ये देखें, ये मैंने अब बर्तन वॉश कर लिए हैं और जो है मैंने ये नीट कर दिया है बिल्कुल किचन अपना। और अब हम कढ़ाई के लिए जो है वो चीज़ें तैयार करते हैं। हमने ये चिकन लिया है, इसमें दही है, ठीक है, टमाटर, खीरा, नींबू है और प्याज है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये कपड़े हैं, ये मैं इसमें डालूंगी, मैंने सरफ डाल ली है, तो अब हम ये कपड़े जो हैं इसमें डालेंगे और साथ साथ मैं चिकन कढ़ाई बनाऊंगी। अच्छा जी, ये कपड़े डल चुके हैं, अब मैं इसको बंद करूंगी, मशीन को ऑन करूंगी और फिर इसको हम स्टार्ट कर देंगे। ले कर दिया, अभी इसमें पानी जा रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच जो है ऑयल के डालनी है। ये हमारे हम ये सारा प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, ठीक है, धनिया है हमारे पास, हरी मिर्चें हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें प्याज, ठीक है। अच्छा जी, ये अब हमने प्याज डाल दी है इसमें, अब हम इसको फ्राई करेंगे और हमारी प्याज है 3 से 4, ठीक है, क्योंकि चिकन हमारा 1 किलो है तो हमने 3 से 4 कढ़ाई के लिए प्याज ली है। अच्छा जी, अब हम इसमें चिकन जो है वो अब हम डाल देंगे इसमें प्याज़ों के साथ ही, और इसको अच्छे से इसमें फ्राई करेंगे, चिकन को प्याज़ों के साथ ही फ्राई करेंगे अच्छे से। अच्छा जी, अब ये देखिए, ये रोस्ट हो रहा है साथ साथ, और अब हम सबसे पहले इसमें ज़ीरा और काली मिर्च डाल देंगे और उसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, ठीक है। ये हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, हम सबसे पहले इसको डालेंगे और उसके बाद हम ज़ीरा और काली मिर्च डालेंगे। अच्छा जी, अब हमने इसमें जो है अदरक लहसुन का पेस्ट, बीच में हरी मिर्चें जो हैं वो डाली हुई हैं अदरक लहसुन के पेस्ट में, कुटी हुई मिर्च डाली है, काली मिर्च डाली और ज़ीरा डाला, और अब हम इसकी भुनाई करेंगे अच्छे से कढ़ाई की, और बड़ी ही ज़बरदस्त पेस्ट आएगा इसका। ये वो कढ़ाई है प्याज़ों वाली जिसमें प्याज जो है नज़र आए, देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी भुनाई हो रही है इसकी। अब ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है, ठीक है। अब हम ये इसमें हल्दी हसबे ज़रूरत
लाल मिर्च 1 चम्मच और सूखा धनिया 1 चम्मच। अब हम ये इसमें डाल देंगे और ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। ये देखें जी, अब हम ये इसको मिक्स कर रहे हैं। अब हम इसमें टमाटर और दही डालेंगे। ये देखें जी, अब हमने इसमें दही डाली है। माशाल्लाह से आप लुक चेक करें इसकी, कितनी ज़बरदस्त आ रही है। अब ये देखें, हमने इसमें टमाटर डाल दिए और अब हम इसको मिक्स करेंगे। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रही है कढ़ाई हमारी। और हम बिल्कुल हल्की आंच में इसको पका रहे हैं, ठीक है। अब हम इस पर ढकना रख देंगे और इसको पकने देंगे ढकना रख के, ताकि इसका गोश्त जो है बिल्कुल गल जाए। ये देखिए हमारे कपड़े वॉश हो चुके हुए हैं, अब हम इसको निकालेंगे। अच्छा जी, ये देखें, ये फाइनल लुक है। ये बिल्कुल तैयार है मेरी कढ़ाई, देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ये देखें जी, आज की मेरी कढ़ाई है, ठीक है। ये सैलेड है इसके साथ, ये लेमन और अदरक, ये हम इसके ऊपर ऐसे डालेंगे, ठीक है। और ये थोड़ा सा धनिया डालेंगे, ठीक है। ये देखें, चलें जी, इजाज़त दीजिए, चलते हैं हम। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, बेल आइकॉन का बटन दबाइएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।